गड़गज के ऊपर मोक मुकम्मच पुल, क्या आपने यह कहावत सुनी है? सुनी है तो क्या इसका मतलब भी जानते हैं? अपने चैनल के माध्यम से आज हम आपको इस कहावत का मतलब ही नहीं बल्कि इससे जुड़ा 250 साल पुराना इतिहास बताने जा रहे हैं। मेरठ करनाल हाईवे से अगर आप जा रहे हैं तो किसान इंटर कॉलेज के बराबर से जाने वाली चक्रोड पर दिखाई देता है एक बड़ा सा स्तूप। ऐसे ही स्तूप आपको हापुड़ जिले के पिलखुआ नगर और मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर समेत कई जगहों पर देखने को मिल जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ये स्तूप कब और किसने बनवाए थे? लोग बस इतना जानते हैं कि इन्हें अंग्रेजों ने बनवाया था। हम आज भी इनका नाम तक नहीं जानते। इनके बारे में आपको गूगल पर भी कोई जानकारी नहीं मिलेगी। ये सच है कि इन स्तूपों का निर्माण अंग्रेजों ने करीब 250 साल पहले कराया था। अंग्रेज इन्हें वाच टावर कहते थे तो देहाती लोग इन्हें गड़गज के नाम से जानते हैं। गड़गज का निर्माण मजबूती के साथ किया गया था। इसमें पुरानी लखोरी ईंट और चूने का इस्तेमाल किया गया है। गड़गज की दीवारें 4 फीट चौड़ी हैं, यानी कि इस पे आराम से टहला जा सकता है। अंग्रेजों ने गड़गज का निर्माण 3 मंजिला इमारत के रूप में कराया था। इसकी ऊंचाई करीब 40 फीट है। इतिहास में कभी यहाँ सिरोली गांव हुआ करता था। अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने राजनीतिक दृष्टि से कमजोर लेकिन आर्थिक दृष्टि से अत्यंत वैभव और ऐश्वर्य संपन्न भारत को पाया। फिर अंग्रेजों ने धोखाधड़ी, अनैतिकता एवं भ्रष्टाचार के माध्यम से राज्य हड़पे, अमानुषिक टैक्स लगाए, करोड़ों को गरीबी और भुखमरी के गर्त में धकेला तथा भारत की सारी संपदा लूटकर ब्रिटेन को मालामाल किया। उन्होंने चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में हिंदू शासकों से व्यापारिक चौकियां भाड़े पर ली और बिना अनुमति के वहां पर अपनी तोपें और सेनाएं रखी। 1758 में रॉबर्ट क्लाइव ने अपना संपूर्ण शासन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरी भारत में जगह जगह अपनी चौकियां बनाई और ग्रामीणों पर नजर रखने के लिए हर चौकी पर एक वाच टावर भी बनवाया। इस क्षेत्र में वाच टावर सिरोली गांव के कोने पर बनवाया गया था। यहां से अंग्रेज ग्रांड ट्रक रोड समेत कई रास्तों और कई गांवों के ग्रामीणों पर नजर रखते थे। अंग्रेजी सिपाहियों को सिरोली के ग्रामीण अपने रास्ते का कांटा लगने लगे तो उन्होंने पूरे गांव को ही तोप से उड़ा दिया। आज भी सिरोली सुनसान और गैर आबादी गांव है। अंग्रेजों का बनाया गया वाच टावर वहां आज भी मौजूद है जिसे लोग गड़गज के नाम से जानते हैं। अंग्रेजों ने जिन्हें तबाह किया वह गांव आज भी सुनसान है। उनके कराए गए निर्माण आज भी हमें हमारे पूर्वजों की शहादत याद दिलाते हैं। चलिए अब आपको उस कहावत का मतलब भी बताते हैं। कहावत में मोक अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब आप सभी जानते होंगे। मोक मतलब दिखावटी, नकली, बनावटी या किसी अनुपस्थित बात का दिखावा करना। मुकम्मचपुर यानी वह मुकाम जिस पर नजर रखी जा रही है। यह कहावत हमारे स्वतंत्रता सेनानी अपने साथियों को खबरदार करने के लिए इस्तेमाल करते थे। गड़गज के ऊपर मोक मुकम्मचपुर, यानी कि सतर्क हो जाओ, आपको कोई देख रहा है और आप पर नजर रखी जा रही है। गड़गज के ऊपर मोक मुकम्मचपुर, आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे पंखों को परवाज देना आपके हाथ में है। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और नए सफर पर। तब तक के लिए नमस्कार।